हाँ सब सारे सेक्सुअली की तरह किसे जलते हैं। अरे वो बाबा जरमुंडा सारा गुंडा गुंडा सारा सच भाई, और मुझे वहाँ सारे कंकड़िया में फाड़ दिया। बहुत अच्छा मैं तांत्रिक ना बना, वरना साले मेरे तो रुखसाना डर जाती। हाँ भाई सेक्सुअली, गुरुदेव ने तुझे काम दिया था वो काम कर दिया तूने? रात में जंगल में गया था या नहीं? हाँ भाई यार मैं गया, और मैं अपने साथ इकबाल ठेकेदार को ले गया था, और जो तुमने तवीज दिया मैंने तवीज भी बांध दिया। सही शैतान आया था तेरे पास या नहीं? आया था, एक कांकड़िया शैतान आया था, उसे देख के तो हम दोनों की फूंक सरक गई, हम तो डर के मारे भागाए। भागाए? इसका मतलब तुम परीक्षा में फेल हो गए, अब तुम गुरुदेव के चेले नहीं बन सकते। ऐसी तैसी भड़का तेरा गुरुदेव, वो झरमुंडा मैं, मुझे ना बनना तांत्रिक, मैं तो लांडाई काका मानूंगा। अच्छा अब तू ये बता तू कहाँ जा रहा था? मैं तू भी सारी बात पूछ रहा, मैं तो एक बार को देखने जा रहा हूँ, उसे देख के आऊंगा वो जिंदा भी है या मर गया। शक्ल से तो बड़ा बहादुर दिखता है वो ठेकेदार, डर के मरने वालों में से नहीं है वो। मैं कद्दू का भात रहे हो, सबसे पहले धूम दबा के वो ही भागा। चल मैं भी तेरे साथ उसके घर चलता हूँ। मैं तू की जरा उसके घर, तू कौन सा रिश्तेदार है उसके घर जाएगा? तू साला है, मामू है, फूफा है, जीजा है, क्या है तू जो उसके घर जाएगा? तू मुझे उससे मकान बनवाने की बात करनी है। ओ नक्शे का मकान बनवाएगा नक्शे का? हाँ नक्शे का ठेकेदार है वो, चल मेरे साथ चल, चल उधर चल। चाय तो बहुत अच्छी बनी है। हाँ। अरे रुखसाना बेटा। हाँ अब्बू। शेचली कहाँ चला गया सुबह सुबह? अब्बू कह के तो इकबाल के यहाँ की गए हैं, अब अल्लाह जाने कहाँ पहुँचेंगे। अरे मेरा शेखू कोई बावला थोड़ा ही है जो कहीं भी पहुँच जाएगा, जहाँ की कह के गया वहीं पहुँचेगा। चचा चचा। अरे मर्जीना सब खैर तो है, क्या बात है, कैसे परेशान सी है? अरे मर्जीना हाँ बता, खैरियत से तो है? चची चची कुछ खैरियत ना है, इकबाल के सर पे कोई मनहूस आत्मा सवार हो गई है, पूरे घर में आतंक मचा रखा है उसने। मैं अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से भागती हुई आई हूँ यहाँ पे। अब्बू हाँ कमाल है, पहले तो ये मनहूस आत्मा सबों के ऊपर सवार थी, अभी इकबाल भाईजान के ऊपर भी सवार हो गई। जमीला हाँ जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे को कोई आत्माओं का पूरा खानदान हमारे गाँव में छोड़ गया दिखे। सही कह रहे हो जी, नहीं तो आज से पहले ऐसे मामले तो नहीं आए गांव में, कभी नहीं हुआ ऐसा तो। हाँ जी। चचा मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या ना करूँ, तुम मेरे साथ फौरन चलो मेरे घर पे, पता नहीं इकबाल का क्या हाल हो रहा होगा। तू घबरा मत मर्जीना, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। ठीक है, अभी तो ये परेशानी आई पड़ी है, कोई ना कोई तो हल होगा इसका, चल मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। अच्छा सुनो जी, आप अकेले मत जाओ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। सही कह रहे, तू मेरे साथ चल। चलो रुखसाना बेटा। हाँ अब्बू। तू घर में रही हो, बाहर ना भी बेटा। ठीक है। हाँ कभी तो निकल जा बाहर को। ठीक चलो जी, चलो चलो। अबे जूते तो पहन लेते मुझे। पहन लो अब्बू। हाँ बेटा ध्यान रखना अपना रम्मी का। अच्छा हाँ हाँ बेटा तू अपना ध्यान रखना यहाँ पे। चल बेटा चल मर्जीना चल। चलो चलो। या अल्लाह इकबाल भाई जान पर अपना रहम फरमा। भाईजान इकबाल भाई जिंदा मर गए, भाई बोल भी नहीं रहा। भाई इकबाल ठेकेदार, भाई तेरे घर पे दो आदमी आए हाल चाल पूछने के लिए, तू घर में पड़ रहा भाईजान, बाकी जवाब तो दे बोल। ओ भाई से चिल्ली, इस घर में कोई है भी या नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ यार बोल ही ना रहा, ना उसकी बीवी मर्जी ना बोल रही, ना इकबाल बोल रहा, आवाज ना रही कोई, मुझे तो गड़बड़ सी लग रही है कुछ। एक काम करो घर के अंदर चलकर देख लेते हैं। हाँ ये बात सही हाँ। है। अबे गुंडी भी बंद है इसकी तो, अबे आगे खुलेगा पीछे खुलेगा गुंडी, अबे दो दो गेट है, इकबाल भी पूरा ठेकेदार है भाई। कैसे मगरमच्छ की तरह पड़ा, भाई इकबाल, इकबाल, भाई
मैं कहीं तेरा रात वाले शैतान को देख के मुझे लगे तेरा दिमाग थोड़ा चल गया। भाई साहब पक्कम पक्का इसका दिमाग चल गया। ना मैं इकबाल हूँ और ना ही मेरा दिमाग चला है, मैं तो मनहूस आत्मा हूँ, मनहूस आत्मा। ओबे तेरे अंदर भी मनुष्य आत्मा घुस गई। आत्मा भाईजान मारे गांव का नाश करके छोड़ेगा तू? कहाँ से आ गया? मैं बहुत बहुत प्यासी आत्मा हूँ, मैं खून पीना चाहता हूँ, खून। मैं सबसे पहले तेरा खून पीऊंगा, तेरा खून। ओवे मैं भाई जान मैं मेरा खून क्यों पिएगा तू? क्योंकि तू बहुत मोटा ताजा है, तेरे अंदर बहुत सारा खून निकलेगा। मैं मोटा ताजा हूँ, तेरे अंदर बहुत सारा खून है, तेरा खून तेरा खून भाभी भी नांदर भाभी 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 इसका बने वो भाभी सुनो भाभी कहाँ जा निकल क्यों मार तेरा फोन भी जाऊँगा भाभी जान के पीछे भाग लो भाग लो ये निकल लो भलाई के लिए आया था। मेरे पास आ जा मोटे ताजी, मोटे ताजी तेरा तो खून दिखेगा। भाभी भी दिखाने दे रही, मुझे लगा भाभी को खाकर दिखाई दो, मैं चलो साले कहीं मुझे खा जा। कहीं अंदर से एक चिल्लू को साला को मारना दे। ओ मर गया, मर गया, मैं मुझे छोड़ यार कमबख्त। भाई से एक चिल्ली भाई, ये आत्मा तो बड़ी खतरनाक है, इसे मैं काबू में नहीं कर सकता, इसे तो मेरे गुरुदेव ही काबू में कर सकते हैं। ओ भाई एक बात सुनिए, मैं तुझे इतने दिन हो गए गुरु धरो झक मारते हुए, भाई तेरा भी अंतर मंत्र नहीं सीखा जो सही कर लेता है? बिल्कुल मूर्ख है। क्या करूं भाई, अभी तक गुरुदेव ने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। कहां रह गया मेरा चेला, अब तक क्यों नहीं आया मुझको बुलाने? नोट और सोना कमाने के लिए बेचैन हो रहा हूं मैं। चले जल्दी से आ जा, जल्दी से आ जा। झरमुंडा तांत्रिक को इंतजार करना पसंद नहीं। जल्दी चलो, पता नहीं इकबाल जी को क्या हो रहा है। तसल्ली रख, तसल्ली रख, हम चल रहे हैं ना। पता नहीं कैसी कैसी हरकत कर रहे थे। वो बात हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। चल देखते हैं। मैं तो बहुत डर गई थी चाची। अच्छा अबू, अबे शिवचिल्ली तू यहाँ क्या कर रहा? इकबाल कहाँ, उसे क्या हुआ? अबू इकबाल पता मनुष्य आत्मा का साया आ गया, उसके अंदर मनुष्य आत्मा, अंदर मत जियो वरना जान से मार देगा, जान से मार देगा सब। इकबाल पे भी मनुष्य आत्मा आ गई? हाँ चाचा, मैं कह रही थी ना बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। अब उसे कहाँ लेके जाए, कौन करेगा उसका इलाज? इस आत्मा को तो मेरे गुरुदेव ही कंट्रोल कर सकते हैं, गुलफाम की पत्नी के ऊपर से भी आत्मा का भूत उन्हीं ने उतारा था। ये सच है अब्बू, इकबाल को भी इनके गुरु ही कंट्रोल कर सकते हैं, वही ठीक कर सकते हैं। हाँ ये मेरा बेटा ठीक कह रहा, तेरे गुरु ही उतार सकते हैं इस भूत को, तो तू बेटा एक काम कर, तो बुला अपने गुरु को ताकि इकबाल के ऊपर से परेशानी दूर हो सके। हाँ जी सही कह रहे हो आप। हाँ। वो ही उतार सकते हैं भूत। उतरे तो सही, बुला। देखिए जी बुलाकर तो मैं ले आऊंगा, मगर मेरे गुरुजी इस काम के 5,000 रुपए और 5 तोला सोना लेंगे। है? इतना ज्यादा खर्चा? खर्चा तो मैं झेल लूंगी, लेकिन मेरे सोहर बिल्कुल गारंटी के साथ सही हो जाने चाहिए।
ये सही कह रही है जी। हाँ। ऐसा ना हो रुपया और सोना भी चला जाए और इकबाल भी ठीक ना हो। बिल्कुल ठीक कर रहे हो, चलिए मैं उनको ठीक कर रही हूँ। ऐसा नहीं होगा माता जी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। हाँ अम्मी, अब्बू इसका गुरु बहुत पहुँचा हुआ, इकबाल के सर से सारा बवाल खत्म कर देगा। भाई जब अगले पैसे खर्च करने हो तैयार है तो तू भाग के जा अपने गुरु को बुला कर जा। ठीक है अभी जाता हूँ और अभी लेकर आता हूँ। गुरुदेव तैयार हो जाओ शिकार करने के लिए। शेख चिल्ली भाई साहब आप अंदर गए थे क्या? हाँ। अगर गए थे तो मेरे ठेकेदार साहब कैसे हैं? मत पूछे ठेकेदार की, तेरा ठेकेदार तो बिलाव बना पड़ा बिलाव। हाँ? जो भी आ रहा उसके पंजे मार रहा पंजे, ऐसे गुजर के। अब्बू मेरा तो खून भी ना करा। हाँ, तो खून पीऊंगा, मोटा हो रहा तू, मोटा हो रहा। मैं तो बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ। या अल्लाह ये कैसी मुसीबत आ गई बैठे बिठाए। या अल्लाह रहम फरमाए इकबाल के परिवार पर। रहम फरमाए परवरदिगार, रहम फरमाए। ओम काल भैरवाय स्वाहा, ओम काल भैरवाय स्वाहा। चले अपना काम हो गया ना, वहाँ सब कुछ ठीक है ना? हाँ गुरुजी। चलो चलो। चाचा अब क्या होगा? सब ठीक होगा बेटा। अब्बू देखो जरमुंडा बाबा आ गए। चलो 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 हाँ, चलो 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 चाचा ये ठीक तो कर देंगे मेरे इकबाल को। ओम काल जरमुंडा बहुत पहुंचा हुआ है। ओम काल भैरवाय स्वाहा। अब्बू जी मैं ये तो ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। चाची जरा साइड को होके चलो। जन जना जन झोल, काला मुर्गा अनमोल, तू है कौन बला, जल्दी जल्दी बोल। मुझे छोड़ दे तांत्री, मुझे छोड़ दे, मैं शमशान घाट की मनुष्य। बाबा गांधी बोल गया। रूहों का पुजारी, भूतों का शिकारी, झरमुंडा तांत्रिक नाम है मेरा, और मेरा खून पिएगा तू, अबे यही भस्म कर दूंगा तुझे। बोलो बहन जी, इस आत्मा को छोड़ दूं या यही जलाकर भस्म कर दूं? जो करना है वो करो, बस इस मनहूस आत्मा से मेरे इकबाल जी को छुटकारा दिला दीजिए। ठीक है बहन जी, पीछा छूट जाएगा। 5,000 रुपए और 5 तोला सोना ला कर दो, तभी मेरी शक्तियाँ इसे यहाँ से भगा पाएंगी। ठीक है बाबा, मैं ला कर देती हूँ। बाबा एक बात बताइए, जो गुलफान की घरवाले पे आत्मा थी वो तो तुमने निकाल कर भेज दी, फिर इसमें कहाँ से आ गई? हाँ? ये आत्मा उसकी रिश्तेदार है, इसे भी मैं वही पहुँचा दूंगा। ठीक है पहुँचा दो, लेकिन एक शर्त है, ये आत्मा लौट कर हमारे गाँव में नहीं आनी चाहिए। हाँ ना आएगी ना आएगी। हाँ बाबा बिल्कुल, गारंटी से बाहर भेज दो इस आत्मा को, बहुत परेशान हो गए। ये लो बाबा 5,000 रुपए और 5 तोले सोना। पीछे को आजा भाभी, थोड़ी पीछे को आजा, पीछे आजा, आजा देख ले। ठीक है गुरु जी। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, अपनी तंत्र शक्तियों से मुझे मुक्त कर दे। काला कुत्ता काली भैंस, काला जादू मेरे पास, निकल जा इस घर से, नहीं तो कर दूंगा सत्यानाश। Yeah!
अबे मर्जीना, ये हमारे घर पे भीड़ कैसी और ये झमूरे कैसी शक्ल वाला कौन है? ये झरमुंडा बाबा है। तुम्हारे ऊपर एक मनहूस आत्मा सवार हो गई थी, इन्होंने ही तुम्हें उस आत्मा से छुटकारा दिलाया है। बहन जी, हाँ, अब हमारा काम पूरा हुआ जी, अब हम चलते हैं। चल बे, चले चलिए बाबा, जाओ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, इसके सर पे से बला डल गई। सुन बेटा मर्जीना, थोड़े पैसे सदका कर देना किसी गरीब को। ठीक है चाची, कर दूंगी। अब हाँ बेटा, अब ऐसे करो, अब तो इन्होंने फीस दे ही दी उसकी, जैसे तैसे करके। हाँ, इकबाल ठीक हो गया, इकबाल तू आराम कर भाई, चलो घर को चल। हाँ चलो बेटा चलो। अरे बेटा, तू उठा के ऊपर बैठा दे। ठीक है जी, उठा दे, उठ जा बेटा। इकबाल जी, तुम सही तो हो ना? अबे कमर में दर्द हो रहा, पूरा शरीर तोड़ लिया आपने। बर्तन धो लेती हूँ। इकबाल भाई किस हाल में होंगे, अल्लाह उन पे खैर करे। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई, ये मनुष्य आत्मा किसी के शरीर में कैसे घुस जाती है?